ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में जुलूस निकाला गया था। जब ये जुलूस जहांगीरपुरी से होकर गुजर रहा था तो हिंसा भड़क गई। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस इलाके से जुलूस निकाले जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में धार्मिक जुलूस लेकर जाने से बचना चाहिए, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांच नेता गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर यदि इस देश में, यदि अपने देश में जुलूस ना निकाले जाएं तो फिर कहां निकाला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में ये जुलूस निकाले जाएं? देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजस्थान के करौली और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन घटनाओं को संयोग नहीं बल्कि प्रयोग करार दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर पलटवार करते हुए भी गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या देश का नया बंटवारा कर लिया गया है कि रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए ओवैसी से पूछेंगे कि किस गली से जाना चाहिए। बता दें कि ओवैसी ने कहा था कि रामनवमी वाले चढ़ाने के लिए जुलूस निकालते हैं, उधर जाते क्यों? इस पर गिरिराज ने कहा कि साल 1947 में तो देश बंट गया, जिनको जाना था वो तो चले गए, क्या तुमने फिर से नया बंटवारा कर लिया है? सुनिए गिरिराज सिंह की बात। कित हुए घटना की चर्चा हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिरों पर कातलाना हमला की घटना हो, ये सारे घटना एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो पहलू रखता है मेरे नजर में। एक तो भारत पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा, पूरी दुनिया में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जिस तरह से उनकी जुबान चुप हो जाती है जब खरगोन में, मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस में कातलाना हमला करता हो, नंगे तलवार लेके जाए और SP रोके तब तक दूसरा व्यक्ति उसी पर गोली मार दे, वो तो बच गया। इतना बड़ा हम हिम्मत, मुर्तुजा नाम करके व्यक्ति जो IIT का लड़का हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मठ पर आतंकी हमले करता हो और अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हो कि उसकी दिमागी हरकत है। राजस्थान के करौली में जिस ढंग से रामनवमी के जुलूस पर और उसी तरह से दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातलाना हमला, ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना,